हेलो गाइस, तो आज मैं पहुंची हूँ सरोजनी नगर मार्केट। पार्किंग आपको मिल जाएगी या फिर आप चाहो तो मेट्रो से भी आ सकते हो डायरेक्ट, बट सरोजनी नगर में आपको गेट नंबर 1 से ही इंटर करना है क्योंकि यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। मतलब बैक गेट से आओगे, वापस घूम के आ सकते हो, बट क्या फ़ायदा। तो डायरेक्ट गेट नंबर 1 से एंट्री करना, एंड एंट्री करते ही आपको बहुत अच्छे अच्छा बिल्कुल चकाचौंध वाली दुनिया दिखेगी, उसमें घो मत जाना। आप एंट्री करते ही लेफ़्ट टर्न लेना, ठीक एंट्री करा राइट मुड़ जाना, और वहाँ पे मुझे दिखी थी सबसे पहले ये ब्लेज़र वाली सेल जो कि 200 की थी। थोड़ी बहुत सी ऐसे लग रहा था कि मटेरियल थोड़ा गंदा सा है, बट आप धो के प्रेस करके यूज़ कर सकते हो। फिर वहाँ पे मुझे डेनिम की जैकेट्स मिली जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे, सिर्फ 100 रुपये के थे। उन्होंने बोला पहले हम 150 का बेच रहे थे, अब हम 100 का बेच रहे हैं। इनकी नई मार्केटिंग टैक्टिक्स मुझे लगी, बट 100 रुपये में बहुत अच्छा डील था। एंड सिंस स्वेटर मुझे दिखे हाईनिक दिखी, प्लस बॉडीकॉन सूट टाइप का, जैसे नहीं तो वन पीस टाइप के, उस टाइप के भी दिखे। एंड 100 रुपये का ये बहुत ही प्यारा मुझे टॉप दिखा जो कि वुलन टॉप था येलो कलर का। एंड देन वहाँ पे थड़ी में आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, तब आपको अच्छे अच्छे स्वेटर्स दिख जाएंगे। ऐसे ही आप आग उठा के चाहोगे तो नहीं मिलेंगे। देखो ये वाला भी मुझे स्वेटर मिला, बोहो स्टाइल टाइप का, बहुत प्यारा लगा था। ये काउ प्रिंट वाला स्वेटर था, ये भी बहुत प्यारा था। ये वाला बहुत प्यारा लग रहा था मुझे, लाइट कलर का था, सिर्फ 100 रुपये का था, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल। देन हम आगे बढ़े, आगे मुझे और भी थड़ियाँ दिखी, जैसे 100 रुपये, 150 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये के भी स्वेटर्स वहाँ लगे थे। सरोजनी में बहुत सस्ते सस्ते सामान है। यहाँ पे आप देखो विंटर कलेक्शन आ गया है, तो अभी आके ले सकते हो, तो बहुत ज़्यादा छटाव नहीं हुआ है, वरना क्या होता है जब बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है तो चीज़ें छट जाती हैं। ये देखो मेरे पीछे पूरा यहाँ पे सब पूरा विंटर कलेक्शन आ गया। ये देखो यहाँ पे 200 सेल में डेनिम है, यहाँ पे एंड यहाँ पे जैकेट स्वेटर के कलेक्शन आ गए हैं। सरोजनी में मुझे लड़कियों ही नहीं, लड़कों के भी कलेक्शन बहुत सारे दिखे, क्योंकि ये मार्केट सिर्फ लड़कियों का ही नहीं है। देखो यहाँ पे देख रहे हो आप, लड़कों के प्रॉपर शॉप थी, थड़ी के अलावा शॉप भी होती है यहाँ पे। ये वाला मुझे हुडी टाइप का स्वेटशर्ट बहुत अच्छा लगा था, पर्पल टाइप का BTS लुक का, बट यहाँ पे प्राइजेस जो है बहुत फिक्स नहीं होते हैं, क्योंकि 350 से 650 रुपये तक के ये दे रहे थे। एंड जाहिर सी बात है आप बार्गेनिंग करोगे तो ये कर देंगे। ये मिकी माउस वाला मुझे बहुत ही ज़्यादा कूल डूड टाइप का लग रहा था, एंड जो जेंजी वाला लुक आता है ना, वो सारे प्रिंट भी इनके पास थे, तो अगर आप बोलोगे तो हर प्रिंट कलर में मिल जाएगा। जी देखो आप प्राइस इन्होंने डाल रखा है, बट फिर भी आप अगर आप लोगे तो वो कम कर देंगे। लड़कियों का मुझे यहाँ पे ड्रेसेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, पूरा ओवरऑल ड्रेसेस था। जैकेट्स बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा वेराइटीज थी, एंड 850 का इन्होंने खुद से प्राइस बोला था। जब आप पसंद करोगे, उनको बोलोगे नहीं नहीं हम इतने का नहीं इतने का लेंगे, सबसे अच्छी टेक्निक ये होती है, बोल दो नहीं भैया मुझे नहीं चाहिए, बहुत महंगा दे रहे हो, मैं जाकर दूसरी जगह आंसर लूँ, तो कहेंगे अच्छा रुकिए 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 कितने का देंगे आप, कितने का देंगे। फिर आप जो प्राइस उसका थोड़ा सा कम करके, जैसे 850 का है तो आप बोल दो 400 का मैं दूंगी, और फिर वो 450 तक में मान जाते हैं। तो ये टेक्टिक ज़रूर अपनाना गाइस, अगर आप सरोजनी या कोई भी मार्केट जाओ मुझे कमेंट करके बताना आप ऐसे अपनाते हो टेक्टिक्स कि नहीं। एंड यहाँ पे थड़ी पे जो प्राइस होते हैं वो फिक्स होते हैं, जैसे यहाँ पे थड़ी पे लिखा 100 रुपये, तो ये फिक्स प्राइस है, इसमें वो कम नहीं करते। बहुत कम ही होता है कि अगर आप 2-3 पीसेस ले रहे हो तो वो बोलेंगे चलो ठीक है आप 3-4 पीसेस ले रहे हो तो हम थोड़ा कम कर देंगे, बट वैसे वो कम नहीं करते। यहाँ पे स्कर्ट बहुत सेक्सी सेक्सी, बहुत क्यूट स्कर्ट थी, लॉन्ग स्कर्ट थी, शॉर्ट स्कर्ट थी, एंड प्राइजेस वही अगेन ये शॉप है तो यहाँ पे कम बेसी आप करा लेना। सिर्फ जो थड़ियाँ जहाँ पे सेल लिख के शॉप के अंदर सेल रहेगा वो कम करा देना, करा लेना, बट जो थड़ियाँ होती हैं जिसपे सेल लिखा था 100, 50, 200, 250, 150 वो नहीं कम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे गर्म पजामी भी थी, एंड जैकेट्स के तो भरमार लगी थी। अब ठंडी आ रही है, अगर आप नैनीताल मनाली जाते हो
इस टाइप के बूट्स ले सकते हो आप। बूट्स भी यहाँ पे सरोजनी में अच्छी अच्छी मार्केट है जो आप ले सकते हो, क्योंकि मनाली में जाके आपको लेना ही पड़ेगा जो कि बहुत महंगी होती है मनाली या नैनीताल में, तो आप इससे अच्छा यहाँ सरोजनी से जाके ले सकते हो। और भी शॉप पे मिल जाते हैं यहाँ पे। ये तरह का लॉन्ग वेयर मुझे बहुत पसंद आया था, ये 750 का। उसने पहले तो 1200 को बोला था, फिर बोला था अरे ले लो 750 रुपये लगा देंगे। फिर मैंने वही टेक्निक अपनाई, मैंने कहा नहीं लूँगी मैं बिल्कुल बाहर जाने लगी शॉप से, तो उसने कहा अरे ये सुनिए सुनिए 600 रुपये दे दे। तो मैंने बोला कि नहीं मैं 300 में दूंगी, तो उसने कहा नहीं 400। फिर मैंने कहा एक दाम 350 का देना है तो बोलो, फिर उसने दे दिया था 350 का। तो यार यही इस तरह से आप बार्गेनिंग कर सकते हो, क्योंकि प्राइजेस वो डबल ट्रिपल ही बताते हैं सरोजनी में। क्वालिटी आपको थोड़ी देखनी पड़ेगी, बहुत सी क्वालिटी बहुत ही बेकार रहती है कि तो आप मत लेना। बहुत से ऐसे रहते हैं जैसे लगता है कि आप एक धुलाई करोगे तो ख़राब हो जाएगी, बट जैकेट्स कोट स्वेटशर्ट इस टाइप के जो भी चीज़ें थी वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एंड यहाँ पे आप स्टाइलिंग के लिए भी ले सकते हो कि कोई चीज़ें आप ऐसा होता नहीं कि आपने एक सीज़न पहना दूसरे सीज़न नहीं पहन रहे हो, तो वो चीज़ आप सस्ता ले सकते हो, 100-150-200 रुपए ले सकते हो कि एक सीज़न भर में काम चल जाएगा। यहाँ पे ये जैकेट जो है बहुत हैवी जैकेट भी थे कि अगर आप सोच रहे हो मनाली जाना है या मुझे कश्मीर जाना है वहाँ पे ठंडी के हिसाब से मुझे चाहिए, तो यहाँ पे ये वाला देखो, ये वाला बहुत हैवी जैकेट था। मतलब मैं तो इसमें पूरी डूबी गई थी, मुझे बहुत लूज़ भी हो रहा था, तो उसने बोला नीचे से आप इसको कर सकते हो। लेकिन मुझे कुछ चीज़ें अच्छी भी लगी, कुछ चीज़ें कलर वाइज भी नहीं अच्छी लगी, बट यहाँ पे इतनी सारी वैरायटी मुझे दिखी ना, जितनी वैरायटी मुझे अलग जगह कहीं पे भी नहीं दिखी, कि आपको पसंद आ ही जाएगा कोई ना कोई। ये ब्लैक वाला मतलब कि अगर आप बोलोगे फिटेड वाला चाहिए तो बिल्कुल फिटेड वाला, ये वाला देखो तो बिल्कुल फिटेड वाला उन्होंने दिखाया। फिर मैंने बोला नहीं मुझे लूज़ वाला दिखाओ, तो उन्होंने ये जो ये वाला दिखाया ये थोड़ा सा लूज़ वाला था। ठीक है, अगर आप बोलोगे मुझे लॉन्ग में चाहिए, मुझे शॉर्ट में चाहिए, हर चीज़ में था। अभी देखो यहाँ पे ब्लेज़र 200 रुपये के थड़ी पे लगी हुई थी, तो ये 200 रुपये में कम नहीं कर रहे थे वो। इसमें भी बहुत से डैमेज पीसेस भी होते, तो अगर आप कोई भी थड़ी से ले रहे हो तो एक बार प्रॉपर चेक कर देना कहीं से कटा पिटा ना हो। सो जैकेट यहाँ पे 1200 की थी उन्होंने बताया था, बट 900 की देने को तैयार हो गए थे। बट आई मस्ट से कि बट मैं आपको गारंटी से बता रही हूँ कि 900 भी वो बोल रहे हैं तो आप कम ज़रूर कराना, 900 का 450-450 में देने को तैयार हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे आओ तो बार्गेनिंग क्लीन फुल कराना। लॉन्ग कोट की बहुत अच्छी वैरायटीज मुझे यहाँ पे दिखी, हर कलर डिज़ाइन पैटर्न साइज के आपको यहाँ पे कोट मिल जाएंगे। 850 रुपये का बोल रहे थे, बट बोल रहे थे ले लो हम आपको 550 तक का दे देंगे। एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ पे इतनी सारी वैरायटी कि आपको कोई ना कोई पसंद आ जाएगा। मुझे ये लाइट बेज वाला बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा टाइट लग रहा था, तो फिर उन्होंने दूसरा दिखाया मुझे। एंड सबसे अच्छी बात मुझे लगती है सरोजनी में कि आपको ट्राई करने देते हैं स्वेटर, और जो भी थड़ी पे लगा था वो भले ही नहीं ट्राई करते, लेकिन शॉप में जाओगे तो वहाँ पे स्वेटर वगैरह वो ट्राई करने देंगे। यहाँ पे ये 100 रुपये की मुझे दिखी, इसमें कुछ कुछ इतनी अच्छी थी और कुछ कुछ बेकार भी थी, लेकिन कुछ कुछ बहुत अच्छे थे। ये जेंट्स के बॉयज़ के लिए यहाँ पे स्वेटर, पर ऐसा कुछ बॉयज़ गर्ल नहीं, आप भी ले सकते हो, बहुत अच्छे। यहाँ पे देखो नाइकी का साइन भी दिया हुआ, पूमा का साइन दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी लगा मुझे इस वाले का। एंड देन यहाँ पे 50 रुपये की भी स्वेटर लिखे थे, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि 50 रुपये की भी स्वेटर मिलते हैं, बट यस सरोजनी में 50 रुपये की भी स्वेटर मिलते हैं, 200 रुपये के भी मिलते हैं, 100 रुपये के भी मिलते हैं, मतलब जैसी पैसा वैसी क्वालिटी। तो क्वालिटी में ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ होता है, ऐसा नहीं कि 50 रुपये का है तो क्वालिटी टॉप नॉच होगी। एंड ये 200 रुपये में काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इसमें यहाँ पे लगा बहुत सारे चाइनीज़ ब्रांड थे, उनके स्वेटर्स डाले हुए थे, थोड़ा बहुत सा डैमेज था, बट ये वाला देख रहे बहुत अच्छा था। एंड यहाँ पे बच्चों के पजामी टोपी और मफलर सारे आ चुके हैं सरोजनी में, तो ठंडी की शॉपिंग करना स्टार्ट कर दो अभी तक नहीं किए। तो यार गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही सरोजनी नगर मार्केट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई अमेजिंग से बाजार में, या आप कोई और बाजार एक्सप्लोर करना चाहते हो मार्केट, तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं वहाँ जाके एक्सप्लोर करूँगा।